क्या है ये चल क्या रहा है यार? मतलब इंडिया रोज सुबह उठो, इंडिया का मैच देखना कॉरपोरेट की नौकरी हो गई है भाई साहब। रोज सुबह उठो, इंडिया को देखो, वो जीतेगा, रोज रात को सो जाओ। रोज सुबह उठो, तैयार हो, दफ्तर जाना है, शाम को छुट्टी होगी, रात को घर आना है, सो जाओ। कॉरपोरेट की नौकरी, टीम इंडिया का मैच एक ही लेवल पर चला गया है। इंडियन क्रिकेट टीम हर टीम को ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाकर बैठी हुई है। मतलब मारते ही इतने यार, वन साइडेड अफेयर कर देते हैं। श्रीलंका वालों ने रिपीट टेलीकास्ट किया है उसी सारे भसड़ का जो इन्होंने पहले मैच में मचाया। ये सर 15 ओवर तक ठीक जा रहे होते हैं श्रीलंका वाले। पहले मैच में चेस कर रहे थे, ठीक जा रहे थे। आज पहले बैटिंग कर रहे थे, ठीक जा रहे थे 15 ओवर तक। पिछले मैच में भी 14वां 15वां ओवर था, इन लोगों ने कांड करना शुरू किया सर। आज भी 15वां ओवर था। 15वें ओवर की एग्जैक्ट, 15 ओवर खत्म होते हैं, 16वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर इनकी तीसरी विकेट गिरती है। 130 बनाकर बैठे हुए थे। कमेंटेटर्स कह रहे थे 190-200 तो कर ही जाएंगे, थोड़ा ज्यादा मार लें तो क्या पता है 200-250 भी कर जाएं। कमेंटेटर्स ये बात कर रहे थे। श्रीलंका वालों को शायद ये बात कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं यार, मेहमान आए हुए हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उनसे रिलेटेड कुछ ऐसा कर दें कि कल कलां को हमारा मजाक उड़ाया जाए कि मेहमान नवाजी में ये श्रीलंकन पीछे रह गए। 130 के ऊपर तीसरी विकेट गिरती है, 5 ओवर पड़े हैं, 161 करते हैं 161, यानी कि 5 ओवरों में 31 रन किए, 7 विकेटें दे दी। और विकेटें बिल्कुल उसी तरीके से दी माशाल्लाह से जिस तरीके से पहले मैच में दी थी। आओ ये लो विकेट, आप भी आ जाओ ये लो विकेट। मतलब विकेट इन्होंने परोस कर दिए। सीरियसली आप कहीं इंडिया या पाकिस्तान में ना वो जाओ ना किसी कहते हैं वो ऐसे होटल्स में जो कि थाल में आपको खाना देते हैं, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि रोटियां भी होती हैं, दाल भी होती है, या सालन भी होगा, या कुछ भी सब्जी तरकारी जो भी बनी हुई है, सलाद, दही, रायता, सारा वो एक थाल में परोस कर आपको दे देते हैं। इन्होंने भी थाल में ही परोस कर विकटें दी हैं। कोई महरूम ना रहे, आ जाओ सारे ले जाओ। ये मैच भी वही पाले के लिए की विकेट पे था, दो कि आज तो बारिश हो गई, इंडिया के लिए टारगेट रिड्यूस हो गया था। 8 ओवरों में उन्हें 78 करने थे, थोड़ी सी उन्होंने पहले आकर बैटिंग की लेकिन फिर बारिश हो गई, 161 किया इस पाले के लिए की विकेट के ऊपर 161। ये तो पिछले मैच के टोटल से भी कम किया है इसने श्रीलंका ने, 161, 9 रन्स। अच्छा उसमें भी अब आप देखो ना, नसांका 32 किया 24 गेंदों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद परेरा 53 की है 34 बॉल्स के ऊपर, 155 का स्ट्राइक रेट, वो भी समझ में आती है। कमांडो मेंडस की उसकी भी समझ आती है, 26 किया। मिडल ऑर्डर इनका ना पहले मैच में चला है ना इस मैच में चला है, और मिडल ऑर्डर को पता ही नहीं चल रहा कि भैया बैटिंग कहते किसको है। उनको ये लगता है वो मिडल ऑर्डर वाले बैटिंग करने आते हैं ना तो ऐसा लगता है वो गजनी होते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मिडल ऑर्डर में अच्छा बैटिंग भी करनी होती है। ये जो हार्ट में हमारी एक चीज़ है वो लकड़ी की बनी हुई, इससे क्या काम लिया जाता है, कुछ समझ नहीं आ रही। पैनिक मोड, पैनिक बटन दबा हुआ है इन लोगों के। मतलब ये तो वही बात हो गई ना, ये ऐसी अफरा तफरी में बैटिंग करने आते हैं ये श्रीलंका वाले। अल्लाह माफ़ी दे, हम देसियों का ना बुजुर्ग जिसके नाम पर ठीक ठाक जायदाद हो, वो जो आखिरी सांसें ले रहा होता है ना, डेथ बेड पे होता है, तो वो जिस तरह उसके रिश्तेदार जो है ना करीबी, उसके बच्चे शच्चे फलाने टिमकाने, वो जायदाद के सीन में फ़ोन कान से लगा कर बैठे होते हैं कि कब ताया की खबर, मतलब ताऊ की खबर आएगी कि वो जो है उनकी तबीयत नासाज है, पहुंचो और कब प्रॉपर्टी के पेपर सामने आएंगे। तो ये उसी आनन फानन जिस तरह वो पहुंचते हैं ना, जैसे फ़ोन आया कि ताऊ जी की तबीयत ख़राब है, जल्दी से पहुँच जाएँ घर, यूँ निकलते हैं ना वो फ्लैश बन के। इनका भी यही था, यूँ आ रहे हैं यूँ जा रहे हैं। अच्छा मैं आपको ना ज़्यादा क्या इनके बात करें, छोड़ो ये इनकी, इनको सुनो इनकी जनाब, ये श्रीलंका की इनकी दो पार्टनरशिप्स लगी हैं। दूसरी विकेट की परेरा और निसांका की 54 रन्स की 36 बॉल्स के ऊपर, फिर अगली परेरा और मेंडिस की लगी 50 रन्स की 34 बॉल्स के ऊपर। पहली विकेट गिरी है 26 पे, दूसरी 80 पे, तीसरी 130 पे 15.1 ओवर। उसके बाद सुनो, चौथी 139, पांचवी 140, छठी 140, सातवीं 151, आठवीं 154, नौवीं विकेट 161। 7 विकेटें इन अ स्पैन ऑफ 5 ओवर्स, 30 गेंदें, रन्स टोटल कितने किए हैं 31, ये इनकी टोटल सूरत हाल है। अच्छा इंडियन बॉलिंग में जनाब, 2 विकेटें अर्शदीप ने ली, 2 विकेटें पटेल ले गया,
बिश्नोई कम जबरदस्त बॉलिंग, 3 विकेटें वो ले गया, 2 विकेटें हार्दिक पांड्या ले गया, दो के हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी रहा 11.50 की इकोनॉमी के साथ, हार्दिक पांड्या को उस समय 2 छक्के लग गए, इस वजह से हार्दिक पांड्या की थोड़ी इकोनॉमी खराब हो गई, वरना बॉलिंग सब ने जबरदस्त की है। इवन पराग ने भी आज तो 4 ओवर किए हैं, उसने भी कोई मार नहीं खाई, लीस्ट उसने इकोनॉमी सबसे लीस्ट पराग और पटेल की है, पराग और पटेल की दोनों की 7.5 की इकोनॉमी है। अच्छा, उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आया 78 करना था 8 ओवर्स में, उधर जनाब 30 रन जसवाल ने बनाए 15 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के, इसका हालांकि कैच ड्रॉप हो गया था, लेकिन यार वो कैच बहुत मुश्किल होती है, एक तो इतने ऊपर से नाइट स्काई, ठीक है आप पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं वो आपको नहीं जज होता, ऊपर से हवा भी चल रही हो तो गेंद वैसे ही आगे पीछे जो है ना वो क्या उसको कहते हैं 16 साल की कन्या की तरह ना आगे पीछे हो रहा होता है, नहीं समझ आ रही होती। अच्छा, फिर संजू सैमसन ताज़ा इसको अभी मेहता साहब ने गाली दी है यार, मेहता साहब मुझे भी कह रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, यार फारूक भाई इसका क्या करना है यार, ये वो कहते हैं कि यार इसको ये टैलेंट मैं सुन रहा हूँ, टैलेंट है, इसको जब इंटरनेशनल में मौका देते हैं ये गंद कर देता है। मेहता साहब ने तो गाली भी लिखी हुई थी, चलो वो मैं नहीं गाली तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे उन्होंने क्या लिखी हुई है, लेकिन मेहता साहब इसके ऊपर सख्त गुस्से में है, मेहता साहब का बस चले वो इसकी क्रिकेट ही बंद कर दें। अब संजू सैमसन का मैं क्या कहूँ यार, IPL में ये शेरों की तरह धाड़ा होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो बिल्कुल ही ठोस हो जाता है, मुझे लगता है इसकी किस्मत नहीं यार साथ देती इसका, बैट्समैन तो अच्छा है लेकिन मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस्मत ही नहीं साथ देती, पहली गेंद पर बोल्ड हो गया, ठीक शाना ने इसको बोल्ड कर दिया। खैर, फिर स्काई आया, वही कैप्टन जिनिंग 26 किया 12 गेंदों के ऊपर, 4 चौके 1 छक्का, 216 का स्ट्राइक रेट, हार्दिक पांड्या ने इतने कस के जिसको कहते हैं वो शॉट नहीं मारे, उसने तफड़ मारे हैं, तफड़ जिसको कहते हैं, छक्का उसने मारा मिड विकेट के ऊपर हसारंगा को, उसके बाद आप उसकी हिट्स देखे ना जो उसने चौके, ये जो उसने 3 चौके मारे हैं ना, इन चौकों के आगे किसी का हाथ पड़ जाता हाथ तोड़ चौके थे वो, इतने जिसे कहते हैं, एक जो उसने जो मारा मिड ऑफ के ऊपर से, ओए होए 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 होए, मैं फील्डर होता ना, वो तो श्रीलंका का फील्डर था, उसने ट्राई करी रोकने की उस शॉट को, मैं होता ना मैं वहाँ पे एक्टिंग करके गिर जाता कि ओ मेरा पैर मुड़ गया, पागल हूँ मैं उस शॉट के आगे हाथ रखता, वो शॉट ही ले जाती भाई बंदा। इसने बहुत हार्दिक वैसे ही बहुत जिसे कहते हैं ना पावरफुल शॉट्स मारता है, ये तो दुनिया जान को पता है, हालांकि इसकी इतनी बॉडी नहीं है, अक्रॉस द विंड ये छक्के मारने की कैपेसिटी रखता है, और इसने वेस्ट इंडीज में मारे भी हैं वर्ल्ड टी ट्वेंटी में अच्छी खासी स्पीड से चलने वाली हवाओं के अगेंस्ट इस बंदे ने छक्के मारे हुए हैं, मैंने तो खुद देखे हैं ना इसके वो छक्के लेग साइड के ऊपर, और फ्लैट छक्के मारे हैं कमबख्त मारे ने, फ्लैट छक्के, बहुत पावरफुल शॉट्स मारता है। तो 22 किया 9 गेंदों के ऊपर 244 के स्ट्राइक रेट से, अल्लाह लाते खैर सलाह, 81 किए 6.3 ओवर्स में, 12.46 का जिसे कहते हैं रन रेट, ये जा वो जा, इंडिया की 3 विकेटें गिरी हैं, एक ठिकशाना ने ली है, एक हसारंगा ने ली है, एक वो अपना मतीशा पथिराना ने ली है, मार आज आलमोस्ट सबको पड़ी है सिवाय ठिकशाना के, उसके 2 ओवरों में 16 रन बने हैं 8 की इकॉनमी, बाकी शनाका उसे 1 ओवर में 12 रन पड़े हैं, हसारंगा को 2 ओवरों में 34 रन पड़े हैं, इसको 2 ओवरों में 34, इसके पहले ओवर में कितने पड़े थे इसको, मेरा ख्याल है 20 एक इसका फटा तो पहले ओवर में लगा है हसारंगा को, हालांकि ये उनका प्रीमियम बॉलर है और हमें पड़ गया था एशिया कप में, ये हसारंगा हमें पड़ गया था, और इससे ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है, और ये टॉप जिसे कहते हैं T20 के ऑलराउंडर्स में आता है। मैं इसकी आंख भाई साहब बहुत मार रहे हैं यार, वो मैं वही सोच रहा था, अब मुझे समझ आती है जब इस तरह खेलते रहोगे जीतते रहोगे तो बीच में अगर कभी कभार टीम इंडिया हार जाए ना तो अब मुझे समझ आती है इंडियन फैंस को एकदम गुस्सा क्यों चढ़ जाता है इतना शदीद किस्म का, वो नहीं फिर साह खाते, ये जिम्बाब्वे से आ रहे थे ना अभी, यार आपकी सोच है सोशल मीडिया के ऊपर भाई साहब जो खिल्ली उड़ी पूरी की पूरी इंडियन टीम की पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, शुभमन गिल रगड़ा गया, बाकी उसकी जितनी टीम थी वो सारी की सारी रगड़ी गई, मतलब इतने लोगों ने इनके लत्ते लिए, तो अब समझ आती है भाई जीत पे जीत रहे हैं तो फिर अब क्या ही बंदा करे, कितना इनको रोके, सीधी सी बात है कितना इनको रोके, ये वो जिसे कहते हैं कि ये तो वो वाला हिसाब है कि ये ना मैं आपको कैसे समझाऊं, अबे यार शादियों में वेलें होती हैं ना वेलें हैं, वो जो नोट नहीं कराते उसमें आपने देखा होगा कि एक आधा बच्चा जो है वो ठीक ठाक किस्म का ना वेले लूटने का एक्सपर्ट होता है, या आपने नोटिस किया होगा एक आधा बच्चा जो है ना वो उसकी उसको पता होता है कि भाई वेले कैसे लूटनी है, इधर वो गेम है, जितना मर्जी खप है, जितना मर्जी रश है, जितना मर्जी प्रेशर मैच है, जितनी मर्जी टेंशन है, घंटा
ये उस बच्चे की तरह बढ़ते हैं टूर्नामेंट में, मैच में, ठीक है, और ये वो उस बच्चे की तरह एट द एंड वेले लूट के ये जा वो जा, वो वेले लूट के घर जा रहा होता है कि आज चंगी दिहाड़ी लग गई है, ये मैच जीत कर जा रहे होते हैं कि चलो एक और मैच नबेड़ दिया। हे भाई साहब, ये श्रीलंका को मार दिया, वर्ल्ड T20 जीत लिया, जिम्बाब्वे को भी हरा दिया, उससे पिछला क्या था अफगानिस्तान को भी कूटा, फिर वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी सेट गई। कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जहां पर ये हल्के हैं? क्यों, ये है कोई फॉर्मेट? कोई नया ही बनाना पड़ेगा जिसमें आप टीम इंडिया को रखो ही ना, कहो कि ये होंगे ही नहीं तो बस उसके बगैर ही खेलेंगे, यही कर लो आप। ये इन तीन फॉर्मेट्स में तो आपके सामने है यार, वन साइडेड अफेयर करते हैं यार, इतना तो भैंस की आंख वन साइडेड लव नहीं होता जितना वन साइडेड अफेयर इनका है क्रिकेट में। ठीक है गुरु, बनता है, सही है, सही जा रहे हैं, पैसा भी अन्य वाह, क्वालिटी भी, परफॉर्मेंस भी, टैलेंट भी, स्किल सेट भी, सारा कुछ इनको दे दिया है तो हमारे लिए क्या छोड़े हैं बॉब्जी द किंग। चलो चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट। कभी तो हार जाओ।